ये हम लोग चलते हैं किसी से पूछताछ करने कि उनको मालदीव में आके कैसा लगा। तो हमें एक भाई मिले हैं जो अंगड़ाई ले रहे हैं मुझे खतरनाक तरीके से। आइए। तो भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक है अलहमदुल्ला। कहाँ से चल? यूपी रामपुर। रामपुर से? तो आप मालदीव कब आए थे? मालदीव हो गए 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए आपको। तो किस काम में आए थे? काम तो बस ये है, कैंट टेकर में अपना आराम से कट रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो मालदीव कैसा लगा आपको? मालदीव का ऐसा है कि जंगल में आ गए। अरे भाई कट कर दिया, जंगल में आ गए। जंगल में आ गए, अच्छा चलो ठीक है। फिर भी मतलब मौसम यहाँ का एटमोसफियर, मौसम अच्छा है, समंदर पानी नहरें सब कैसा लगा आपको? मौसम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बस खाना थोड़ा बहुत पिछड़े। खाना देखिए थोड़ा बहुत आदमी को मैनेज करना पड़ता है। तो अभी आपका क्या प्लान है, अभी तक कितने दिन और रुकना है आपको? जब अल्लाह रुकवा दे। अरे तो अल्लाह तो भाई सबको रुको, लेकिन वो अच्छा सब अच्छा कमाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए। तो आपने क्या सोचा कि यहाँ पे मालदीव आने की? बहुत से लोग और भी कंट्री जाते हैं। अब कंट्री बस एजेंट ने बोला भाई यहाँ का ऑफर है, मैंने कहा ठीक है, ऑफर पर मोल लगा दो, मोल लगा दी। ये कुछ कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा आपका कैमरा करीब लगी है हमारे फेस पे, बस इतना कि हमारे भाई। तो आप ये बताइए कि आज जो आप मालदीव में खड़े हैं, आज 8 महीने आपने कितनी इनकम कर ली अभी तक? इनकम इतनी कर ली, जो कमाया वो कर्दे में दे दिया, अभी इतना कुछ पल्ले नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है जितना कमाया सारा कर्दे में चला गया। हाँ, आगे ये व्यवस्था हो सकती है, आगे आप और कमा सकते हैं। हाँ अल्लाह चाह। ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। और बहुत शुक्रिया आपका, दिन शुभ हो। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।